Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching NRI's Chemistry. अभी हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ये साइंस का क्लास एट साइंस का चैप्टर नंबर एट है और ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले बात हम करेंगे सेल थ्योरी एंड डिस्कवरी की। तो सेल थ्योरी एंड डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनमें न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है या फिर कोई भी प्रोसेस हो रही है जो लिविंग बींग में होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो सेल होता है। सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग बींग होता है, यानी कि सेल से ही लिविंग बींग का फॉर्मेशन होता है। क्या क्या प्रोसेस होंगे आगे हम उसको समझेंगे। सबसे पहले सेल जो है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको कॉर्क सेल में देखा था। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये कॉर्क सेल है और इस कॉर्क सेल में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसको देखा था, ठीक है ना। तो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने 1667 में इसको देखा और डिस्क्राइब किया। 1838 में जर्मन साइंटिस्ट मैथियस लाइडन ने इसको प्रपोज किया कि ये प्लांट में जो होता है वो सेल पाया जाता है। 1839 में जर्मन साइंटिस्ट थियोडर श्वान ने ये बताया कि एनिमल्स जो होते हैं वो भी सेल्स के बने होते हैं। 1855 में आर विरकोव ने क्या बताया कि जो एनिमल्स जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं उनके डिवीजन से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी में जो पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट है ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन सेल, ऑल जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एसिमिलेशन है, ठीक है ना, तो जो भी है लोकोमोशन है, ये सारी की सारी प्रोसेस जो होती हैं वो सेल्स में होती हैं। सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ, ये जो हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों यूनिट हैं, माने कि स्ट्रक्चर का भी ये फॉर्मेशन करती हैं और फंक्शन मतलब लिविंग बींग का स्ट्रक्चर बनाती हैं और साथ ही उसके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ऑल द सेल्स एराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जितनी भी सेल्स होती हैं वो पहले से जो सेल्स होती हैं उन्हीं से बनी होती हैं, पहले से जो सेल एग्जिस्ट करती हैं उन्हीं से ये सेल्स जो होती हैं वो बनती हैं। वायरस को कंसिडर किया गया है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, वायरस जो होते हैं इनको सेल थ्योरी से एक्सेप्शन किया गया है क्योंकि इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब हम सेल के बारे में, और ये जिस तरह से आप क्या करते हो कोई भी बिल्डिंग बनाते हो और उस बिल्डिंग के लिए आपको ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप पहले ब्रिक वॉल बनाते हो, वैसे सेल्स जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी किसी लिविंग बींग को जनरेट करती हैं तो उसका बेसिक यूनिट बनाती हैं। तो यहाँ पे ब्रिक वॉल से इसको सेल को कंपेयर किया गया है। आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ब्रिक वॉल और ये ओनियन पील दिया हुआ है और इन दोनों को हमने कंपेयर किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया कि लिखा गया है कि जस्ट बिल्डिंग दैट में डिफर इन द डिज़ाइन शेप साइज बट ऑल आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली ऑर्गेनिज्म में डिफर फ्रॉम वन अनदर, जैसे ह्यूमन है, डॉग है, प्लांट है, लेकिन ये सारे के सारे जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। अब जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, जैसे ह्यूमन जो होता है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बैक्टीरिया की बात करो तो बैक्टीरिया जो होता है उसमें एक ही सेल होती है। जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है इसको हम टिश्यू कहते हैं और टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नंबर ऑफ सेल के बेस पे अगर हम देखें तो सेल को क्लासिफाई किया गया है। पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है सिर्फ एक सेल मिलती है। तो जब उनमें सिर्फ एक सेल मिलती है यानी कि वो सारी की सारी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं जैसे कि ग्रोथ है, मूवमेंट है, डाइजेशन है, इन सब को वो एक सिंगल सेल के अंदर ही करते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया है। आप अगर देखें तो ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, अमीबा का है और ये पैरामीशियम का है। ये दोनों जो होते हैं वो एक ही सेल, आप देख रहे हो कि इसके अंदर एक ही सेल बनी हुई है और उसी सेल से ये सारी अपनी फंक्शंस जो होते हैं जैसे ग्रोथ है, मूवमेंट है, डाइजेशन है, ये सब के सब करते हैं। इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेलुलर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं हम उनको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, एलिफेंट है, ह्यूमन बींग है, एलिफेंट है, नीम ट्री है, कोई भी प्लांट है,
ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं दे आर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म सच एज रैट हैज़ अ फ्यूअर नंबर ऑफ सेल्स एज कम्पेयर टू जाइंट ऑर्गेनिज्म एज ए एलिफेंट। देखिए जितना जितना जो होगा साइज बढ़ता चला जाएगा उतना ही नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन जो नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो फंक्शन को डिफेक्ट अफेक्ट नहीं करती है। भाई एक पर्टिकुलर ग्रुप सेल्स का जो होता है वो पर्टिकुलर काम करता है, जैसे वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज जो हैं वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नंबर से जो होता है, नंबर ऑफ सेल्स से उनके फंक्शन पर इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑल्सो ऑल द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म वेदर बिग और स्मॉल बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है ना। जितने भी उतने जो फर्टिलाइज्ड एग से जो होते हैं, एग का पहले फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर वो एग में जायगॉट वगैरह बनता है और फिर उससे जो होता है ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो वो एक सिंगल सेल से ही सबकी लाइफ जो होती है वो बनती है और बाद में वो मल्टीप्लाई हो जाती है और मल्टीप्लाई होने के बाद में वो एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देती है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें तो जो सेल जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो होता है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले सेल है, सेल क्या करती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है और टिश्यू फिर जो है वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है और ऑर्गन सिस्टम फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, इस तरह से डेवलपमेंट चलता है। सेल जो होता है, सेल ये तो बेसिक यूनिट है ना, तो इस वजह से ये क्या करती है, लोएस्ट लेवल को जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है और इसको हम सेलुलर लेवल कहते हैं, ठीक है ना। द ग्रुप ऑफ द सिमिलर स्पेशलाइज सेल फॉर्म ए टिश्यू एंड टिश्यू इन टर्म्स इन ऑर्गन एंड ऑर्गन वर्क इन ए सिस्टम, और सिस्टम का मतलब जैसे ऑर्गन सिस्टम, जैसे मान लीजिए नर्वस सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इस तरह से इनका फॉर्मेशन करता है। द सेल्स इन द आउटमोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन आर डेड एंड एवरेज एडल्ट कैरी, यहाँ पर टू जो है वो मिस हो गया, 2 kg ऑफ डेड स्किन। बिलियंस ऑफ द टाइनी फ्रैगमेंट्स ऑफ द स्किन आर शेड एवरी डे, एवरीथिंग यू रन योर फिंगर ऑन ए डस्ट टेबल यू शेड अ लॉट ऑफ ओल्ड स्किन। कहने का मतलब ये है कि जो आउटर मोस्ट लेयर के जो सेल्स होते हैं या जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे डेड होते जाते हैं और आप पूरी लाइफ में जो है लगभग 2 kg डेड स्किन को जो है वो रिलीज करते हो, ठीक है ना। शेप ऑफ द सेल की अगर हम बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल हैव अ डिफरेंट शेप, डिफरेंट होती है। जैसे अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और जब यूनिसेलुलर होता है तो इसकी ना तो डेफिनेट शेप होती है और मतलब इरेगुलर की जगह रेगुलर शेप होती है, इसकी डेफिनेट और रेगुलर शेप नहीं होती है, ठीक है ना, यानी कि इरेगुलरली होता है। ये क्या करता है, ये एक्चुअल में स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो इसके मोस्ट ऑफ द वर्क को करते हैं, उसे लोकोमोशन भी करता है, उसे फूड को भी पकड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर स्यूडो जो है इस टर्म का मतलब होता है फॉल्स, और यानी इसके जो फीट होते हैं वो फॉल्स फीट होते हैं, एक्चुअल फीट नहीं होते, वो बनते बिगड़ते रहते हैं और इनके बनते बिगड़ते रहने की वजह से ही इसकी शेप इरेगुलर होती है, ठीक है ना, ये डेफिनेट शेप में रह ही नहीं पाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो ब्लड वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो भी अपनी शेप को धीरे धीरे क्या करती हैं, चेंज करती रहती हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये भी अपनी शेप को क्या करती हैं, धीरे धीरे चेंज करती रहती हैं, और जिससे कि ये जो होती हैं वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। अमीबा जो होता है, अमीबा इज़ एन ऑर्गेनिज्म है डैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली वाइल द इज द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी डैट कैन एग्जिस्ट ओनली इन द ब्लड। यहाँ पर अमीबा और वाइट ब्लड सेल में ये डिफरेंस होता है कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो केवल ह्यूमन ब्लड में ही लिविंग रह सकती हैं, लेकिन अमीबा पूरा का पूरा अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म होता है और वो इंडिपेंडेंट रह सकता है, ठीक है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखें तो ये जो सेल्स ब्लड सेल्स हैं ऑफ ह्यूमन बी, इसके अलावा स्पिंडल शेप मसल सेल हैं बी में आकर आप देखें, और सी अगर आप देखें तो ये लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स हैं। तो जो सेल्स होती हैं उनकी वो जो होती हैं वो राउंड है, स्फेरिकल हैं, इलांगेटेड होती हैं, ठीक है ना। द नर्व सेल्स इन द एनिमल्स इज लॉन्ग एंड ब्रांच, इट रिसीव द एंड ट्रांसमिट द मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स। नर्व सेल्स को आप देख रहे हो कि ये जो है वो कैसी है, लॉन्ग है और इसके बाद अलावा ब्रांच्ड है और कैसी इलांगेटेड है, और ये क्या करती है, यही है, और मैसेज को रिसीव करती है ब्रेन से और उसको बॉडी के दूसरे पार्ट में मूव कराती है।
इट हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट। ये क्या करती है, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट को कोऑर्डिनेट करती है जिसकी वजह से वर्किंग होती है। द मसल सेल्स इज लॉन्ग पॉइंटेड एट द बोथ एंड एंड द स्पिंडल शेप। दिस हेल्प इन द एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रेक्शन डैश ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट इन द बॉडी। तो देखो, अगर आप मसल सेल्स को देखो तो ये जो हैं वो कैसी हैं, स्पिंडल शेप हैं। ये दोनों एंड पे जो होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, और इसकी वजह से ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं। साइज ऑफ द सेल की बात करते हैं। द साइज ऑफ द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी स्मॉल एज ए मिलियंथ ऑफ द ऑफ अ मीटर, माइक्रोमीटर और माइक्रॉन, ठीक है, और मे लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर। देखिए, सेल जो होती हैं वो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं। माइक्रोस्कोपिक होती हैं मतलब आप माइक्रोस्कोप से इनको देख सकते हो, आप नेकेड आई से इनको नहीं देख सकते हैं। कुछ सेल्स जो होती हैं वो साइज में थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं और फ्यू सेंटीमीटर तक हो सकती हैं। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है, जैसे बैक्टीरिया में, और जो लार्जेस्ट सेल है उसका वो जो होती है 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर होती है, और ये एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है, ठीक है ना। द साइज ऑफ द सेल है नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल्स और प्लांट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन रेड। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, साइज जो होता है वो उसका ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, यानी कि एनिमल की बॉडी से कोई रिलेशन नहीं होता जो साइज ऑफ सेल होता है। हम ये नहीं कह सकते कि एलिफेंट बहुत बड़ा है तो उसकी सेल्स बहुत बड़ी होती होंगी, ठीक है ना, और रेड बहुत छोटा है तो उसकी सेल्स बहुत छोटी होती होंगी। एक्चुअली ये होता है कि इसमें जो ग्रुप सेल्स का होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है, यानी टिश्यूज जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, यानी नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से वो काफ़ी कलेक्टिवली हो जाती हैं और कलेक्टिव होकर साइज बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल की। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल में अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन जो होते हैं वो टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना, और ये एक पर्टिकुलर जो होता है वो फंक्शन को के लिए होता है, जैसे कि ये सिस्टम डाइजेशन करेगा, एसिमिलेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, इजेशन करेगा, इंजेशन ऑफ फूड करेगा, ठीक है ना। इसी तरह से जो होता है, रूट्स जो होती है प्लांट में वो क्या करती हैं, वो एब्जॉर्प्शन करती हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। लीव जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल हैं इनका डिफरेंट जो होता है वो फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ पहले भी मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। ए टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ ए सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है ना। एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ अ टिश्यू विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ अ सेल। द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एक्चुअली किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है और वेरियस ऑर्गेनली होते हैं। ऑर्गेनली का मतलब ये होता है कि जैसे मान ली गॉल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, वैक्यूल्स हैं, ये सब के सब होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि ये सेपरेट करता है क्या सेल को, सेल मेम्ब्रेन सेल को सेपरेट करता है इसके सराउंडिंग से, दूसरे सराउंडिंग से। या हम ये कह दें कि भाई दो सेल को सेपरेट करने का काम जो है वो सेल मेम्ब्रेन करता है। ये लिविंग होती है, थिन होती है, डेडिकेट होती है, डेलिकेट होती है, इलास्टिक होती है, पोरस होती है, सेलेक्टिवली परमीबल होती है। सेलेक्टिवली परमीबल का मतलब ये होता है कि कुछ कंपाउंड्स को, ये कुछ पार्टिकल्स को ये जाने देती है और कुछ पार्टिकल्स को ये जाने नहीं देती है, ठीक है ना। तो ये कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमीबल होती है। फंक्शन की बात करें तो ये जो होती है वो प्रोटीन, लिपिड जो होते हैं इन सब से बनी होती है, और ये जो है वो फूड, यहाँ पे टूड लिख गया, यहाँ पे फूड होगा, फूड ऑक्सीजन के मूवमेंट को जो होती है करती है, और इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे CO2 वगैरह है, इससे इसको सेल से बाहर निकालती है। इसके अलावा चूंकि ये आउटर बाउंड्री है तो आउटर बाउंड्री होने की वजह से ये सेल को प्रोटेक्ट भी करती है, और इसकी ये सेल को एक शेप भी देती है, क्योंकि आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो सेल को क्या करेगी, एक शेप भी देगी। अब बात करेंगे सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, और ये आउटर होती है, रिजिड होती है और थिक लेयर होती है, ठीक है ना। और ये जो होती है वो एक टफ मटेरियल की होती है, जिसे हम नाम देते क्या है, सेल्युलोज नाम देते हैं।
ये जो होती है वो नॉन लिविंग होती है। अब ये अभी प्लांट्स मेम्ब्रेन आपने देखा, जो सेल मेम्ब्रेन था वो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो लिविंग थी, बट ये कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो प्लांट सेल होती हैं उनको एनिमल के कंपैरिजन में ज़्यादा जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर है, हाई विंड स्पीड है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, तो उससे ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है ना। तो सेल वॉल जो होती है वो प्लांट को जो होती है वो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसके बाद बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और ये जो होता है वो इनसाइड द सेल होता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, लेकिन ज़्यादातर कुछ केसेस में जब न्यूक्लियस जो होता है वो साइड पे होता है, कॉर्नर पे होता है, तो फिर साइटोप्लाज्म कुल मिला के पूरे सेल में फैला हुआ रहता है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है, गॉल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, ये सब के सब ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, ये जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सॉल्ट है, प्रोटीन है, शुगर है, ये सब्सटेंस भी इसमें डिजॉल्व रहते हैं। साइटोप्लाज्म का फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो इसके अंदर होती हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी है, लिविंग बॉडी जो है वो सर्वाइव करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है, ये न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, ये साइटोप्लाज्म में, इसके अंदर जो फ्लूड भरा हुआ है वो क्या है, साइटोप्लाज्म में। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज स्फेरिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट होता है, जो कि सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है कि ये लार्ज होता है, स्फेरिकल होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट होता है, जो सेल में प्रेजेंट होता है, बट आरबीसी में जो होता है वो ये नहीं मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद में इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल, ये सेल में लार्जेस्ट होता है, और जब हम इसको स्टेन करके देखना चाहते हैं तो माइक्रोस्कोप में आसानी से जो होता है वो दिख जाता है। इसकी डिस्कवरी जो थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने इसको 1831 में डिस्कवर किया था, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस जो होता है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंटर पे लोकेटेड होता है, बट कभी कभी ये जो होता है वो पेरीफ्री पे भी होता है, ठीक है ना। प्लांट सेल्स में ज़्यादातर पेरीफ्री पे आपको मिलेगा। उसके बाद इट फर्दर कंसिस्ट न्यूक्लियस के पार्ट जो होते हैं वो हमें देखें, तो पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, पर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होगी वो कहलाती क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। ये एक पोरस मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस को क्या करती है, सराउंड करती है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस को सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से। इसके अलावा ये जो होती है ये क्या करता है, ये जो मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मूवमेंट के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होती है ये स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस होती है, ठीक है ना। और ये जब आप माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके इसको देखते हैं तो आपको दिखाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम को हम आसानी से देख सकते हैं जब सेल डिवाइड होती है या सेल में डिवीजन होता है, तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। द क्रोमोसोम फॉर्म ए डेंस इंटरविंड मास। इसमें क्या होता है कि एक इंटरविंड जो होता है मास होता है, इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। और क्रोमैटिन जो होता है वो क्या करता है, जीन्स को जो होता है ऑफ स्प्रिंग तक ले जाने का काम करता है, यानी कि जो करेक्टर पेरेंट्स के होते हैं वो पेरेंट्स के करेक्टर जो होते हैं वो पहुँच जाते हैं, इसमें ऑफ स्प्रिंग में पहुँच जाते हैं। ये एनसीईआरटी में ह्यूमन चीक गाल सेल्स का जो है वो दिया हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, साइटोप्लाज्म है, और अंदर जो है वो ऑर्गेनेली है। जीन्स की अगर हम बात करते हैं तो जीन्स जो होता है वो एक यूनिट होती है ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये हेरिडिटी करेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब कि जो पेरेंट्स के करेक्टर्स होते हैं उनको ऑफ स्प्रिंग तक ले जाती है। जैसे सपोज करो कि आपके फादर के ब्राउन आईज हैं, तो हो सकता है कि आपके भी ब्राउन आई हों। आपके मदर के कर्ली हेयर्स हैं, तो हो सकता है कि आपके भी कर्ली हेयर्स हों, ठीक है। यहाँ पर ये होता है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के जो करेक्टर्स होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग पर पहुँचते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे करेक्टर्स जो होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग पर पहुँचे। फंक्शन की बात करें तो इट रिलेटेड टू ट्रांसमिशन और हेरिडिटरी ट्रेड्स। ये जो होता है वो हेरिडिटरी ट्रेड्स या ट्रांसमिशन से रिलेटेड होता है, जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में पहुंचते हैं, और इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं इनहेरिटेंस। इसको हम एक नाम दे देते हैं, क्या, इनहेरिटेंस नाम देते हैं।
इसके अलावा ये क्या करता है कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल जो है उनको कंट्रोल करता है। इसको जो है देखा था, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, और इसको जो है वो जेई पुरकिंजे ने जो है वो सबसे पहले ये टर्म दिया था। प्रोटोप्लाज्म जो होता है इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, मतलब न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म मिला के बन गया क्या प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म को एक नाम दिया गया लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, ठीक है ना। तो इसको लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल कहते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म आर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन विद सम अदर एलिमेंट्स। देखिए ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द जो केमिकल्स या कंपोनेंट्स बने होते हैं वो ज़्यादातर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से ही बने होते हैं। जैसे मान लो आप प्रोटीन बना रहे हो या फैट बना रहे हो, ठीक है ना, ये कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सब के सब जो होते हैं वो क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन सब से मिलके बने होते हैं। तो इसलिए प्रोटोप्लाज्म में ये सब कंपोनेंट्स, ये एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन सेल का करें तो पहला जो आता है वो प्रोकैरियोटिक सेल आता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, यानी इनमें की सबसे शुरुआत वाला न्यूक्लियस होता है। तो जब शुरुआत वाला न्यूक्लियस होता है तो वो बिल्कुल बिल्कुल ईजी न्यूक्लियस या बिल्कुल प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यानी कि उसमें जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ना तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना न्यूक्लियोलाई होता है। तो जो मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियस मटेरियल होता है, वो सारा का सारा जो सेल होती है उसी में ही फैला हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं। इनका डायमीटर जो होता है वो 0.2 से लेके 2 माइक्रोमीटर तक होता है। इनका डायमीटर जो होता है वो 0.2 से लेके 2 माइक्रोमीटर तक होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस अगर होता है तो मतलब जो लिविंग बींग्स अभी हैं, करंट में हैं, या जो मल्टी सेलुलर लिविंग बींग्स हैं, उन सब में इस तरह का है, ठीक है ना। यानी कि आपको समझ में आ गया कि मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़ के, उन सब में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनली में अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या काम करता है, ये एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा ये जो होता है, जो हम फूड खाते हैं उस फूड को ये ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना। तो जो फूड हम खाते हैं उस फूड को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, और इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। आप इसको देखते हैं कि ये जो है वो कैसा रॉड लाइक दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पर ऊपर की तरफ राइबोसोम है, आउटर मेम्ब्रेन है, और अंदर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है इसकी, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें जो उंगली की तरह आपको दिख रहे हैं वो क्रिस्टी हैं, और क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल्स होते हैं। ये F1 पार्टिकल्स ही जो होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूसर होते हैं। इसके अलावा इसमें DNA मॉलिक्यूल भी होता है। तो आप ये समझो कि न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जिसमें क्या होता है, DNA मॉलिक्यूल्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो ये क्या है, वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें क्या होता है, सॉल्यूशन भरा होता है या फिर मिनरल भरा होता है। इनमें सॉल्यूशन है, मिनरल सॉल्ट है, शुगर, ये सब भरे हुए होते हैं, और ये सेल सैप की तरह काम करते हैं। प्लांट सेल में अगर हम देखें तो ये जो होता है वो बहुत ही बड़ी होती है, लार्ज होती है, डिस्टिंक्ट होती है, और परमानेंटली जो होती है वो ऑक्यूपाइंग होती है। मतलब प्लांट सेल में वैक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, ठीक है ना। एनिमल सेल में जो होता है वो ये जो होती हैं वो छोटी सी होती हैं, और छोटी सी होने के साथ साथ ये टेम्परेरी भी होती हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स की कोर का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसकी वजह से वैक्यूल्स नहीं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनली की बात करें तो इसमें पहला इसमें जो आता है वो प्लास्टिड आता है। तो कहें ये प्लांट सेल में ही होते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट सेल में ही होते हैं, और ये एनिमल सेल में नहीं होते हैं। ये मोस्ट ऑफ द प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट के सेल को कलर प्रोवाइड करते हैं। इनमें से जो कलर प्रोवाइड करते हैं हम इनको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में ज़्यादातर कलर प्लास्टिड होते हैं ग्रीन को छोड़ के, क्योंकि ग्रीन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कि फ्रूट को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर को, इन सब को कलर प्रोवाइड करते हैं।
इसके बाद होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होते हैं, यानी कि ये कलर प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो भाई इनका काम क्या है, ये एक्चुअल में फूड स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसको हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। किचन ऑफ द सेल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करके ये फूड का फॉर्मेशन करता है। और ये फूड जो होता है वो ग्रीन लीव्स में जो होता है वो क्या होता है, एक स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद में वो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। अब अगर हम न्यूक्लियस प्लास्टिड और देखें, मतलब न्यूक्लियस के साथ में अगर देखें तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया में आपने डीएनए देख लिया, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर जो है वो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में भी जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन डीएनए होता है। इसमें अगर आप देखो तो आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इसके अंदर एक छोटी सी पतली मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है, इसके अलावा इसमें थाई है या ग्रेनम है, ठीक है ना। तो ये सब के सब जो होते हैं वो फूड प्रोडक्शन का काम करते हैं, फूड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है वो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल में अगर आप देखेंगे तो इसमें दिखाई गई है कि एक लार्ज वैक्यूल है, इसके अंदर बगल में क्लोरोप्लास्ट है, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो गॉल्जी एपरेटस है, उसके जस्ट बगल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उसी में ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नीचे अगर आप इसके देखें तो क्या है, न्यूक्लियस है, उसके बगल में राइबोसोम है जो पार्टिकल्स टाइप के दिखाई दे रहे हैं आपको, और इधर साइड जो है वो माइक्रोबॉडीज़ हैं। सबसे आउटर मोस्ट सेल में अगर आप देखो तो सेल वॉल है जो कि एक थिक है और डेड वॉल होती है, और बगल में उसके माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके साथ ही साथ सेल वॉल के अंदर अगर आप देखते हैं तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कंपेरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल की। देखिए जब हम कंपेरिजन करते हैं तो कंपेरिजन हम दो तरह से करते हैं, एक तो हम उनमें देखते हैं डिफरेंस और दूसरा देखते हैं सिमिलैरिटीज़। तो कंपैरिजन दो तरह से होता है कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में और इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की बात करेंगे। अगर हम देखें तो सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में मिलती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं मिलती है। वैक्यूल्स की बात करें तो लार्ज होती हैं प्लांट सेल में, और इनमें वाटर जो होता है और भरा रहता है, जिसकी वजह से टर्जिट रहती हैं। टर्जिट का मतलब होता है फूला हुआ होना, यानी प्लांट जो होता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। अगर बिल्कुल फूला पानी भरा हुआ है तो टाइट रहता है, तो टाइट रहता है तो वो उसको क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। इसके अलावा इनमें आयंस हैं और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। जबकि एनिमल सेल में बात करें तो वैक्यूल्स स्मॉल और टेम्परेरी होती हैं। इसके अलावा प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल मिलता है, और क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। जबकि एनिमल सेल में, मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो होता है एनिमल सेल में डेंसर होता है और प्लांट सेल में थोड़ा सा लूज होता है। सेक्रेटरी वेसल्स की बात करें तो सेक्रेटरी वेसल्स एनिमल सेल में ज़्यादातर मिलती हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, और ये ऑलमोस्ट एब्सेंट होती हैं प्लांट सेल में। प्लास्टिड की बात अगर करते हैं तो प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट सेल में तो मिलते हैं लेकिन वो एनिमल सेल में नहीं मिलते हैं। इसके बाद अब हम कॉमन की बात करेंगे, कॉमन फीचर्स की बात करेंगे। ये तो डिफरेंस थे, अब कॉमन फीचर की बात करेंगे। तो चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन मिलती है, और सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लांट को क्या करती है, वो सराउंड करती है, और उसके चारों तरफ उसके अंदर जो होते हैं वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। साइटोप्लांट दोनों के केस में ही वाटर से मिला होता है, और इसमें डिफरेंट सब्सटेंस है जैसे अमीनो एसिड है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब का सब डिजॉल्व रहता है, और ये क्या करता है, ये ऑर्गेनली को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस हैं जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, ये सारी की सारी जो है वो साइटोप्लांट में होती है। इसके अलावा हम बात करें तो न्यूक्लियस ये होता है, उसमें जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल, दोनों के केस में न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जिसमें कि जीन्स होते हैं, और ये जीन्स जो होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग में पहुंचते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम क्या करता है, वो डिवाइड होता है, डिवीज़न होता है, जैसे माइटोसिस मियोसिस अभी आप आगे पढ़ोगे तो उन सब में जो होता है वो डिवाइड होता है। माइटोसोम में ही मिलती है, और ये जो होती है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और ये जो है वो एनर्जी का प्रोडक्शन करती है थ्रू क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये करती है, ETC से। ये डायग्राम दिया हुआ NCERT में है,
यहाँ पर आप देखिए तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, सेल वॉल आप देख रहे हो थिक है प्लांट सेल में, इसके बाद न्यूक्लियस इसमें है और बीच में बड़ी सी वैक्यूल्स है। बट अगर आप एनिमल सेल में देखो तो बहुत छोटी है, सेल मेम्ब्रेन है लेकिन सेल वॉल नहीं है, न्यूक्लियस दोनों में ही है और साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर मुझे आपको समझ में आया होगा। इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो एक अलग सेपरेट वीडियो में पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।